यस यस तो श्योर। ISI के बारे में नहीं पता होता लोगों को कि दिस कॉलेज हैज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन द जूनियर्स एंड द सीनियर्स, ओ ऐसे क्योंकि बहुत कम लोग हैं, इतने से लोग हैं, ज्यादा लोग दिखेंगे नहीं कैंपस में, तो एक बहुत क्लोज नेट फैमिली बन जाती है। जब हम फर्स्ट गए थे तो ऐसा लगा था भाई कैसे होंगे जूनियर सीनियर्स, हाँ हमें लास्ट में बुलाया लोगों ने अपने रूम पे, अब हमें लगा पता नहीं क्या क्या होगा, और ये इतने शरीफ लोग थे, ये हमसे पूछ रहे हैं आते जाते कोई रेस्टोरेंट देखा तूने, खाने का मन कर रहा है, कुछ पता नहीं है, हम भी नए हैं अभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक और पॉडकास्ट पर आ गए हैं, एंड बिसाइड्स IITians एंड बिसाइड IITs देर आर सेवरल अदर प्रेस्टिजियस एग्जाम्स और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के अंदर। एंड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज दैट वी हैव इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। एंड नमन भास्कर आज हमारे साथ हैं। सो नमन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल, एंड नमन इज इन ISI कोलकाता, इज इन द बी स्टैट एंड इज इन थर्ड ईयर। And he is a placement representative there. And besides that, he is working at WorldQuant as a brain research consultant. And he has also cracked many Olympiads or NTSC KVPY scholar भी रहे। तो hello Naman, welcome to the channel. हेलो चित्राक्ष, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ ग्रेट हाय अपॉर्चुनिटी फॉर मी Namans. एज वेल। Okay, thank you so much हेलो, Naman. हाँ, हम बेसिकली आज आपसे ISI के बारे में जानना चाहते हैं। जनरली IITs के अवेयरनेस तो होती है, बट उसके अलावा और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती। बच्चों को पता है तो ये नहीं पता है कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या पाथ फॉलो कर सकते हैं। तो बस उसी के अराउंड आज हम थोड़ा सा डिस्कशन चाहते हैं। सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड, हाउ यू केम अक्रॉस ISI। तो मेरी जर्नी में बहुत बड़ा रोल है मेरे भैया का, जो भी एक अभी बहुत बड़ी एमएनसी में, ही इज अ डायरेक्ट ऑफिसर CEO, एंड वो डेटा साइंस फील्ड से काफ़ी रिलेटेड हैं। तो सिंस हिज टाइम व्हेन ही वाज एट IIT KGP इन 2011, सिंस दैट टाइम ही न्यू अबाउट ISI, सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू ISI फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ISI इज नॉट अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जी की जो हम तैयारी करते हैं, जी एडवांस टू बी स्पेसिफिक, उसमें जिस काइंड ऑफ मैथ्स से हम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम्स करते हैं, बस टेक्निक अलग होती है थोड़ी, वही मोर और लेस आता है ISI के एंट्रेंस में भी, विथ अ बिट ऑफ ओलम्पियाड टच, जो कि सेकेंड पेपर जो होता है सब्जेक्टिव पेपर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो पेपर्स होते हैं ISI के, UGA एंड UGB। सो UGA यू कैन से इज मोर और लेस लाइक JEE मेन्स और अ बिट स्टैंडर्ड देन JEE मेन्स, बिकॉज 30 सवाल होते हैं वही MCQ वाले, एंड यहाँ पे एक कैच क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ पे इफ यू लीव अ क्वेश्चन यू गेट लेट्स से यू हैव +4 फॉर करेक्ट आंसर, यू लीव अ क्वेश्चन यू गेट +1, एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर यू गेट 0। थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज बीइंग कंटिन्यूड दिस ईयर ऑल्सो, बट ये इन जनरल पैटर्न रहा है ऐसे पेपर्स का। एंड UGB एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है UGA से, जो बच्चे उस कट ऑफ को पार कर जाते हैं उनका सब्जेक्टिव पेपर चेक होता है फिर ISI कोलकाता में, जो यहाँ पे प्रॉफ्स है हमारे वही चेक करते हैं उन पेपर्स को। मोरलेस 7 और 8 क्वेश्चन होते हैं, 2 आवर्स का टाइम होता है, इन डिटेल आपको आंसर्स देने होते हैं, सो उसके बेसिस पर फिर फाइनल कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। नाइस। सो डिड यू स्पेसिफिकली प्रिपेयर फॉर ISI, या आपने JEE की भी तैयारी करी थी, ISI की भी तैयारी करी थी, एंड बाकी एग्जाम्स की भी आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे? सो माय बैकग्राउंड वाज बेसिकली JEE ओरिएंटेड, एट द स्टार्ट ऑफ माई क्लास 10 आई हैड मूव टू कोटा, सो आई वॉज अ इट वॉज द प्लेस वेयर आई डिड माई NTSC एंड KVPY प्रिपरेशन्स एज वेल। इट वॉज इन द ईयर 2021 टू बी स्पेसिफिक, वेन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड केम, एंड जी एडवांस वॉज पुश्ड बाय अ वेरी बिग लिमिट, सो आई वॉज गिविंग माई JEE मेन एग्जामिनेशन, आई हैड ऑल्सो अपेयर फॉर सम अदर एग्जामिनेशन लाइक बिट सैट, IPMAT कंडक्टेड बाय IIM इंदौर। सो
At that time, I was exploring all the examinations because I had this philosophy that giving examinations always provides you with certain experiences. So I tried to give all the examinations I could get a hand on. So that was how I started to move towards ISI for the first time. Also, in class 10th, एक आरएमओ का और एक बेसिक था ओलंपियाड टाइप का टच मुझे मिला था. हेल्प मी क्रैक आईएसआई का जो सेकंड पेपर है बेसिकली. सो उसमें आई गेस मैंने 5 या 6 सवाल कर दिए थे, तो वो एक काफी बड़ा एडवांटेज मिला था मुझे. और बाकी जो मेरी जेई की प्रेप थी, दैट वाज द मेन पार्ट ऑफ माय आईएसआई प्रेप एज वेल. कुछ ऐसे अलग से नहीं किया था मैंने उसके लिए. राइट. तो कोई स्पेसिफिक बुक्स या मटेरियल्स जो आपने आईएसआई के ऑब्जेक्टिव यूजीए पेपर या सब्जेक्टिव यूजीबी पेपर के लिए फॉलो किए हो, या इनफैक्ट इवन आई थिंक इंटरव्यूज होते थे तो इंटरव्यूज के लिए भी आपने कुछ स्पेसिफिक मटेरियल फॉलो किया हो इसके अलावा? हाँ, तो आई एक्चुअली हैव अ सॉर्टेड लिस्ट फॉर दैट. एक्चुअली मेरा भी अपना एक चैनल था जो मैं चला रहा था 1 साल पहले तक. अभी उस पर एक्टिव नहीं हूँ मैं 1 साल, तो उस पर मैंने एक वीडियो डाला था इसके बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन टू. ओके, श्योर श्योर श्योर. उसमें एक लिस्ट भी मैंने डाल रखी है. और मैंने आईएसआई में जो मेरे बैचमेट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करते हुए वीडियो बनाया था कि कैसे आपकी स्ट्रेटजी रही आईएसआई को प्रिपेयर करने की. तो बेसिकली जो जेई लेवल के जो बुक्स हैं, जैसे कि अरिहंत के जेई एडवांस के बुक्स आते थे, एवरीडे मैथमेटिक्स. आईएसआई में सिर्फ मैथ्स आने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होगा यहाँ पे. तो एवरीडे मैथमेटिक्स करना विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यूजीए. सिंगेज के एमसीक्यू बुक्स आते थे, 1000 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ करके. तो ये दो बुक्स आई थिंक अगर आप पूरा कर लो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ होता है, तो आई थिंक इज सफिशियंट. इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है यूजीए के लिए. तो सेकेंड पेपर विच इज मोर ऑफ एन ओलंपियाड टच, सो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए होगा. सो उसके लिए जैसे नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर और कैलकुलस, ये मेन टॉपिक्स हैं जो आते हैं उसमें. उसके लिए आप एक टीटो एंड रेस्क्यू की बुक है वो कर सकते हो. टोमेटो बहुत पॉपुलर है, जो भी आईएसआई का प्रेप करता है टोमेटो जरूर देखता है. सो दैट इज समथिंग यू कैन डू. फिर एक आर्थर एंजल की बुक आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज. इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत टफ एग्जाम भी नहीं होता. आपका बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत बेसिक से भी उसको करते करते सॉल्व हो जाती हैं चीजें. बिकॉज मैंने कोई अलग से ऐसे कोई बुक नहीं सॉल्व की थी. बट दिस इज अ लिस्ट व्हिच आई विल सजेस्ट. राइट. सो इसमें भी एज फार एज आई नो देर आर टू ब्रांचेस, लाइक देर इज बी स्टैट विच यू आर करेंटली इन, एंड इसके अलावा बी मैथ भी है. तो थोड़ा सा डिफरेंस आप बता सकते हैं ऑडियंस को इसके रिगार्डिंग, व्हाट आर द फील्ड्स? बिकॉज जेई में तो हमें पता है आईआईटी में चलो ये ब्रांच है ये ब्रांच है, व्हाट अबाउट आईएसआई एंड व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल देयर? सो बेसिकली अब दो नहीं तीन ब्रांचेस हो गए हैं. इस साल एक नया कोर्स लॉन्च किया है आईएसआई ने, बीएसडीएस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस. तो अब तीन कोर्सेज हैं. फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप आते हैं. तो अगर किसी का ऐसा है कि ही और शी इज वेरी पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स, थियोरिटिकल मैथमेटिक्स में रिसर्च करना है आगे जा करके, कुछ नए तरीके के रिजल्ट्स बनाने हैं, दिन रात सिर्फ मैथ्स देखता हो, उसके लिए बेस्ट है आईएसआई बैंगलोर से बी मैथ करना. बिकॉज वो प्योर मैथ्स से डील करेगा वहाँ पे. इफ समवन इज नॉट वेरी श्योर, यहाँ पे तो अगर आप श्योर हो पूरी तरह से कि आपको थ्योरेटिकल मैथ्स करना है तो यू कैन गो फॉर बी मैथ. अगर आप श्योर हो कि आपको सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है, फिर उसके लिए ये जो दो कोर्सेज है वो आते हैं. अब कोई अगर श्योर नहीं है कि उसे क्या करना है, बिकॉज क्लास 12th के बाद श्योर होना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. वी डोंट नो मच अबाउट द स्ट्रीम्स वी आर गोइंग टू वर्क. सो इसलिए मेरा मेन फोकस रहेगा बी स्टार्ट और बी एस डी एस पे. बी स्टार्ट क्या करता है, बी स्टार्ट से
यू कैन गो इन टू वेरी गुड PhDs ऑल्सो, यू कैन गेट इन टू वेरी गुड जॉब्स ऑल्सो. मैं खुद अभी प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ अभी ISI प्लेसमेंट कमेटी में. सो आई नो वी हैव जॉब प्रोफाइल्स ऑफ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, बहुत सारी बड़ी कंपनीज आती हैं. तो उसकी कोई कमी नहीं होने वाली है. अगर कोर्स के दौरान एक इंटरेस्ट आ जाए रिसर्च में कि नहीं मुझे रिसर्च करना है, सो PhDs का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है B-start M-start के लिए, इफ यू हैव डिसेंट इनफ ग्रेड्स ऑल्सो. सो दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट फॉर B-start. ना अब कोई ऐसा है जो दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता में रहता हो स्पेसिफिकली इन सिटीज में, एंड ही और शी इज वेरी श्योर कि भाई मेरे को प्लेसमेंट ही लेना है, जॉब करना है जल्दी से जल्दी, एंड आगे जाके हो सकता है MBA भी करूँ मैं, तो ये करना है. और बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें पसंद नहीं है मुझे, वो अप्लाइड रहे तो ज़्यादा बेटर है. थोड़ा प्रोग्रामिंग वाले लोग होते हैं कुछ कुछ, अभी NEP आ गया है, लोग C++ वगैरह करते थे, पाइथन करते थे स्कूल टाइम पे, तो वैसे लोग अगर इन तीन सिटीज में है तो BSDS के लिए भी जा सकते हैं. BSDS के साथ मेरे हिसाब से एक डिसएडवांटेज ये है कि ऑफलाइन ये नहीं मिल रहा है कोर्स सारे सब्जेक्ट्स. तो इस कोर्स को ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है कि इन तीन कैंपसेस में ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा. लेट से वी हैव 6 सब्जेक्ट्स टू बी ऑफर्ड इन दिस कोर्स. 2 हो सकता है कोलकाता में किए जाए, 2 दिल्ली में, 2 बैंगलोर में. अब जो बाकी 4 एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं मिले वो ऑनलाइन कनेक्ट किए जाएंगे. तो काइंड ऑफ अ हाइब्रिड कोर्स है ये. सो एक वो मोमेंटम, वो डिसिप्लिन ना बने ऐसा हो सकता है. और हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, सो कुछ लोग के लिए अच्छा भी है कि घर पे रहने का मौका मिल जाएगा, घर से कॉलेज हो जाएगा. कुछ लोग के लिए खराब भी है कि कॉलेज लाइफ ही नहीं होगी कोई. सो दिस इज अ वेरी न्यू कोर्स. ये कोर्स स्ट्रक्चर पूरी तरह से अप्लाइड बनाया गया है इसको, एंड इस तरह से लॉन्च किया गया है. बट इफ यू आर अनश्योर एट द मोमेंट कि क्या करना आ गया, कि B-start इज अ वेरी गुड ऑप्शन. B-start के बाद अगर ऐसा भी लगे कि यार बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है, इट्स नॉट समथिंग आई लाइक, क्योंकि लोग होते हैं जिनको 12th तक मैथ्स से बहुत प्यार होता है, फिर कॉलेज मैथ्स देखते हैं उनको पसंद नहीं आता कि ये तो कुछ अलग ही है, अभी तक हम नंबर से खेलते थे, अभी अल्फा बीटा गामा चल रहा है सिर्फ. तो उनके पास B-start के बाद ऑप्शन है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. आप MSc इन डेटा साइंस कर सकते हो CMI से, आप MBA कर सकते हो एट एनी पॉइंट CAT या ZAT निकाल के. तो आई थिंक B-start इज बेटर फॉर समवन हु इज अनश्योर. ओके ओके, nice, amazing explanation. Also one thing which we talked about is ki aapne kafi sare olympiads clear kiye, and at the very same time jab aap olympiads ke liye prepare karte hain to besides your normal curriculum aap bahut sari cheeze explore karte hain, jaise aapne RMO bataya, aur bhi maths olympiads ab aajkal IUQM ke naam se hain ya NMTC bhi hua karta hai. So I just wanted to know ki olympiads ka kya role raha tha aapki journey ke andar, और कब से आपने उनकी प्रिपरेशन शुरू करी, या कौन कौन से ओलंपियाड्स आपने दिए दैट हेल्प्ड यू ऑन द पाथ ऑफ ISI? काफी स्ट्रिक्ट रूल था कि जो जेई ओरिएंटेड बच्चे होंगे उनके स्टार बैच में वो सेग्रीगेट कर देते हैं ऐसे बैचेस को. वो 11 12th में तो RMO वगैरह नहीं देंगे, बिकॉज RMO का सिलेबस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जेई. तो जो भी मैंने दिया 10th में मैंने दिया था RMO दिया था, NMTC दिया था, और वो जो SOF सिल्वर जोन वगैरह के होते रहते हैं वो सब दिया था नॉर्मल एग्जाम्स. तो हमारा जो सिस्टम रहता था, जब भी ओलंपियाड वाली क्लासेस होती थी कि कोई वैसा क्वेश्चन आया, तो उसको देखने का तरीका बहुत अलग होता था कि वो क्वेश्चन है उसकी इन डेप्थ एनालिसिस की जाती थी कि ये क्वेश्चन है इसको इन इन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. हर क्वेश्चन के 2-3 तरीके तो होते हैं मैथ्स में, मैथ्स इज नॉट समथिंग वेरी स्पेसिफिक. तो उन हर तरीकों पे एनालिसिस होती थी, उन हर तरीकों से इस क्वेश्चन में क्या नए चेंजेस बन सकते हैं उसको देखना बहुत जरूरी है. बिकॉज आई फील मैथ्स का सिलेबस इज वेरी वास्ट. हम पेपर पे कुछ भी लिख दे पर मैथ्स का सिलेबस इज वेरी वास्ट, हर चीज़ कवर करना इज इम्पॉसिबल.
सो जो जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, आप उसी को उठाओ. बेस्ट प्रिपरेशन इज पास्ट पेपर्स. किसी भी एग्जाम के लिए पास्ट पेपर्स उठाओ, उन्हीं क्वेश्चंस के देखो आप कैसे सॉल्व किया जाता है. 3-4 तरीके देखो, उनसे खुद से क्वेश्चंस बनाओ, खुद से क्वेश्चंस में चेंजेस करो, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया उस पर्टिकुलर एग्जाम में कैसे एस करना है. देयर इज नो कॉमन स्ट्रेटजी टू एस ऑल द मैथ्स एग्जामिनेशंस. सबका अपना पैटर्न अलग है, सबका फ्लेवर अलग है. Right. So that was what I found during my journey. Okay. So, अगर मैं आपकी एडवाइस पूछूं, लाइक देर आर डिफरेंट स्टूडेंट्स राइट नाउ, लाइक कोई हो सकता है 9th-10th के अंदर है, सम ऑफ देम माइट बी इन 11th or 12th, विच मे बी पीक टाइम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई. तो अब अगर कुछ किसी का मन हो कि चलो हमें ये भी एक्सप्लोर करना है, तो उसकी जर्नी वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? लाइक आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन जेई की जर्नी से हट जाना, दैट इज आई थिंक नॉट करेक्ट. बट जेई के साथ में अगर करना हो तो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन की? ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स है जिनको फॉलो करते जाएं, देन यू कैन पैरेलली जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईएसआई अलोंग विद जे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट कि जेई को पूरी तरह से इग्नोर करके आईएसआई सीएमआई का प्रिपेयर करना इज वेरी रिस्की, बिकॉज सीट्स बहुत कम है. 50-60 सीट होते हैं, बहुत कॉम्पिटिशन होता है. ऐसे माइन्यूट चीज़ों के कारण भी अगर लटक गया तो साल पूरा जा सकता है. एंड जेई प्रिपरेशन ऑल्सो नॉट अ जॉब. एक मोमेंटम बनाना पड़ता है 2 साल तक लगातार, तब जाके एक रैंक आती है जेई में. सो व्हाट आई फील इज कि जब आप अपनी जेई की प्रेप कर रहे हो, कोई 9th से स्टार्ट कर देता है, आजकल तो लोग 6-7 से करने लग गए. सो जो भी आप प्रेप कर रहे हो उसमें मैथ्स रिलेटेड, वैसे तो सब में ही करना चाहिए, पर मैथ्स रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस को देखो तो नॉट जस्ट ऑब्जेक्टिव वे में बट सब्जेक्टिव वे में उसको देखो. जैसे हम जब जेई की प्रेप करते थे, कुछ सवाल ऐसे होते थे जो कि ऐसे क्लिक नहीं कर रहा होता था कि ये कैसे बनेगा. अब टेस्ट है, टाइम लिमिट है, अब वो अलग फ्लेवर है जेई का कि उस टाइम में आपको इतने सारी चीज़ें करनी है. तो उसमें क्या करते हैं, और कोचिंग्स भी सिखाते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट करना. देखो कई ऑप्शंस, 4 में से 2 तो ऐसे निकल जाएंगे जो कि हो ही नहीं सकते, बाकी 2 को या तो पुट करके देखो या थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखो, उसके जो आसपास आ रहा है दैट इज आंसर. तो उससे क्या कॉन्सेप्ट नहीं बनता ज्यादा, आप उस पैटर्न के लिए बहुत स्ट्रांग होते जाते हो धीरे धीरे. तो हमारा ब्रेन पैटर्न रिकॉग्निशन का काम करने लगता है फिर, कि ऐसी ऐसी चीज आई है, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, दैट्स इट. पर आईएसआई का खास करके जो यूजीबी पेपर है, that can bring many new surprises. जिस तरह का क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं हो कि यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब इनिशियली जो लर्निंग फेज है, जेई प्रेप में 3 फेजेस होता है, लर्निंग फेज, टेस्टिंग फेज और रिविजन फेज मेरे हिसाब से. तो जो लर्निंग फेज है, इनिशियल फेज आपका 11th का और मिड 12th तक, एटलीस्ट मिड 12 के बाद ही किसी भी कोचिंग में कहीं पे रिवीजन या टेस्टिंग मेजरली स्टार्ट होती है. तब तक तो हर चीज़ को इन डेप्थ पढ़ें, लिख लिख के सॉल्व करें. ऐसे दिमाग, मैं भी बहुत दिमाग में करने लग गया था बीच में, बट लिख लिख के करें, उससे बहुत हेल्प होता है इन एग्जाम्स में भी और जो बाकी एग्जाम्स हैं आगे जाके. अगर आपको कैट देना है या फिर शुरुआत में आईपी मैट देना है, तो उसके लिए एक मेंटल एबिलिटी आपकी बढ़ती है कि आप लिख के जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं, तो मल्टी डायमेंशनल हेल्प मिल जाती है उस चीज से. ओके, राइट. एंड बिसाइड्स दैट नमन, आई वाज जस्ट क्यूरियस कि आईएसआई में कैंपस लाइफ कैसी है, लाइक हाउ आर द क्लब्स देयर और फेस्ट्स देयर, क्या एंजॉयमेंट होता है या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई रहती है आईएसआई? सो बिफोर लास्ट ईयर ऐसे कुछ नहीं था वहाँ पे. ओके, अब कोविड के पहले क्या क्या होता था उसके मुझे कोई आइडिया नहीं है. कोविड के बाद से सारी चीजें रुक रखी थी. सो लास्ट ईयर वी स्टार्टेड द फेस्ट, हमारे फेस्ट का नाम है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ, हम एक एग्जाम भी कराते नेशनल लेवल पे अपने तरफ से, MTRP. सो वो अभी चल रहा है इस साल का. सो इस तरह से चीजें स्टार्ट हुई है. पिछले साल से ही लोगों ने क्लब्स वगैरह भी धीरे धीरे स्टार्ट किए, कुछ म्यूजिक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, हमारे स्पोर्ट्स कॉम है जो
बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं। अभी वॉलीबॉल इवेंट चल रहा था, कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ है, तो उसमें ऑक्शंस होता है, फिर उसके हाँ बाद इवेंट्स होते हैं वो सारे, तो वो सारी चीजें स्टार्ट हो गई है। इट्स मोर कि जो लोग आएंगे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उस चीज को आगे बढ़ाए और उस चीज को और डेवलप करे, बिकॉज कोविड में सब कुछ बंद हो गया था वहां पे। सो ये हाल है अभी। ओके एंड ऑन अ फाइनल नोट नमन, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स एंड एस्पिरेशंस फ्रॉम हियर? लाइक आप ऑलरेडी थर्ड ईयर में है बी स्टैट के, एंड लाइक आपने भी इंडस्ट्री में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं बी स्टैट में उसके बारे में काफी बातें करी थी, तो व्हाट इज योर पाथ दैट यू सी फ्रॉम हियर जो आप आगे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं? जो मैंने अपने लिए अभी सोच रखा है, वांट टू बी इनटू अ क्वांटिटेटिव फर्म और अ बिग कंसल्टेंसी इन द फ्यूचर। उसी हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल भी डेवलप कर रहा हूँ। मेरी इंटर्नशिप भी बिग डेटा में थी, सो उस हिसाब से अपने आप पे मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड आई फील इस लाइन से दिस इज द बेस्ट यू कैन अचीव, एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स एट टूडेज एरिया। आई एम नॉट अ PhD कैंडिडेट, दैट्स व्हाई आई एम अ प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो एट ISI। आई हैव डिसाइडेड दैट फॉर माई सेल्फ। सो थैंक यू सो मच नमन फॉर बीइंग ऑन द चैनल, एंड डेफिनेटली काफी कुछ जानने को मिला ASI के बारे में मुझे भी और आई होप व्यूअर्स को भी. सो इन अ वन लाइन इफ आई कैन समराइज, मैं यही कहूंगा कि बी सीरियस फॉर योर 11th 12th JEE प्रिपरेशन, बट इफ यू लव मैथ्स एंड यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर अनदर अमेजिंग इंस्टीट्यूट, आप साथ साथ जो टिप्स नमन ने सजेस्ट किए हैं उन पर थोड़ा थोड़ा टाइम देकर उन पर भी काम कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच नमन फॉर शेयरिंग सच अमेजिंग इंसाइट्स सभी बच्चों के साथ, और उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द थैंक चैनल.